कोरोना का डर अब लोगों के लिए घातक साबित हो रहा है। भिंड में स्क्रीनिंग कराने की बात को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। मामला यहां के प्रेमनगर इलाके का है। यहां स्क्रीनिंग की बात को लेकर हुई कहासुनी झगड़े में बदल गई। इस झगड़े में दो लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक महिला भी शामिल है, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की बात कह रही है। पार्टी जो है मुन्ना की पार्टी, इनका दामाद आया हुआ था करीब डेढ़ महीने पहले दिल्ली से, तो उसका चेकअप करा के उसको घर में क्वारंटाइन किया गया था, होम क्वारंटाइन। तो करीब डेढ़ महीना हो गया था और उसको कुछ था भी नहीं। तो कल शाम को वो निकल के बाहर बैठा था। ये जो मृतक पार्टी है और जो आरोपी पार्टी है, इनका घर बिल्कुल 2 फुट 3 फुट के उसमें दरवाजे हैं बगल बगल में। तो उनकी महिलाओं ने गाली गलौज दी थी, तो उधर से दूसरी महिलाओं ने गाली गलौज की, पुरुष आ गए, पुरुष भी करने लगे और धीरे धीरे इनमें पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी में चोटें आई जिसमें महिला रात में ख़त्म हो गई थी और एक दूसरा विष्णु नामक जो व्यक्ति है अर्जन पार्टी का, वो ग्वालियर में ख़त्म हो गया है। तो मुकदमा कायम कर लिया है, पुलिस पार्टियाँ लगा दी गई है, बहुत जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। कितने लोगों के खिलाफ FIR की है? 9 लोगों के खिलाफ। किन धाराओं के खिलाफ? 302। 302 अर्जन है। अभी गिरफ्तार नहीं हुआ आरोपी? अभी गिरफ्तार नहीं हुआ। आपको बता दें कि कपूरे खान नाम के शख्स के घर उनका दामाद दिल्ली से आया हुआ था और वो घर के बाहर बैठा हुआ था, जिस पर दूसरे पक्ष के लोगों ने एतराज जताया और उससे स्क्रीनिंग कराने की बात कही। देखते ही देखते दोनों परिवारों में विवाद हो गया और जमकर पत्थर चले। अब इस घटना के बाद से इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। भिंड से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट।